हेलो भाई, वेलकम बैक टू ये देख टेक। मैं आपको पता है कि कुछ टेकी वाली वीडियो आने वाली होगी, ऑटोमोबाइल्स की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो बट यहाँ पे अभी मैं आ चुका हूँ मालवा होंडा लाजपत नगर में। यहाँ तो कोई ऑटोमोबाइल वीडियो बनने वाली है भाई, यहाँ पे कुछ आपको बाइक की वीडियो मिलने वाली है। एंड तक पूरा देखना, फिर दिखाते हैं आपको सिनेमैटिक, फिर शुरू करते हैं पूरी वीडियो। तो भाई अगर आपको सिनेमेटिक्स अच्छे लगे ना तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कुछ भी फेवरेट पार्ट आपका वीडियो के अंदर। तो गाइस अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ भाई, वो होने वाली है अपनी होंडा शाइन के ऊपर। 100cc की बाइक है, काफ़ी बढ़िया बाइक है भाई। मेरे को पता क्या है ना, मेरे को पता लगा स्प्लेंडर टाइप, बट क्या यार कैसी बात कर रहा है, होंडा के आउटर में आके तू होंडा स्प्लेंडर की बात कर रहा है अब तो ये वाली बाइक जो है ना भाई मेरे को काफ़ी अच्छी लगी 100cc वाली बाइक में। और सच्ची बताऊँ भाई इसकी मॉडिफिकेशन ना काफ़ी बढ़िया होगी, मैं सच बता रहा हूँ। जो इसका डिज़ाइन है ना पूरा, मतलब आप किस जिस तरीके से चाहते हो ना उस तरीके से इसको पूरा मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप इसको पंजाब ले जाओ भाई, क्या से क्या हो जाएगी इस बाइक का, मतलब आपको सही बताऊँ सिर्फ आपको ये बॉडी चाहिए इसकी, मॉडिफिकेशन तो आपको बताएंगे वहाँ पर कितनी बढ़िया होने वाली है। तो शुरू करते हैं बाइक की डिटेल के साथ। तो फर्स्ट आपको जो बाइक साइड प्रोफाइल इस तरीके से मिल जाएगी पूरी बाइक की। तो आपको थोड़ी सी ना इसकी डायमेंशन बता देता हूँ, जो बाइक की लेंथ होने वाली है वो है 1955 mm की, और विड्थ होगी 754 mm, और हाइट है 1050 mm की, और व्हील बेस है इसका 1245 mm का। ग्राउंड क्लीयरेंस आपको 168 mm की मिलने वाली है। कर्व वेट है 99 kg, 100 kg की बाइक है भाई, देख रहे हो हल्की बाइक है, इसलिए कह रहा हूँ मॉडिफिकेशन काफ़ी कुछ अच्छी हो सकती है इसके अंदर। तो आप चाहो तो आप करा सकते हो। और आपको क्या क्या मिलने वाला है इसके साथ, आपको इसकी सीट लेंथ जो मिलने वाली है 677 mm की मिलेगी, और सीट हाइट मिलने वाली है आपको 786 mm की। फ्यूल की कैपेसिटी है 9 लीटर। इंजन है 4-stroke सिंगल सिलेंडर इंजन। इंजन का आउटपुट जो होने वाला है 5.43 kW, 7500 RPM में आपको इसका 5.43 kW का इसका आउटपुट मिलने वाला है इंजन का। और टॉर्क पावर जो है इसकी 8.05 Nm, वो भी 5000 RPM पे। तो अगर इसके टायर की बात की जाए भाई, आपको टायर के अंदर क्या मिलने वाला है भाई, तो ब्रेकिंग की बात करूँ, ब्रेक आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं ड्रम ब्रेक मिलेंगे, तो इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं। तो ड्रम ब्रेक आपको 130 mm के मिलेंगे फ्रंट पे, और 1110 mm के मिलने वाले हैं पीछे। तो 110 mm का पीछे वाला इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, तो आप समझ सकते हो पीछे वाला ब्रेक मारोगे तो ऑटोमेटिकली आगे वाली ब्रेक लगेगी। आगे वाला इसका एनालॉग मीटर में आपको आगे वाला टायर से आपको इसका स्पीडोमीटर मिलने वाला है। तो दिखा देता हूँ आपको कौन सा वाला मीटर, इसमें आगे आपको डिजिटल तो नहीं मिलेगा, एनालॉग मीटर नहीं मिलने वाला है, तो दिखाते हैं। और सस्पेंशन की बात की जाए तो भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, और फ्रंट वाले में और रेयर में वही जो अपना जनरल रहता है। हेडलैम्प मिलने वाला है बल्ब टाइप का, हैलोजन वाला। सीट आपको मिलेगी इस तरीके से, ट्रक के साथ आपको ये हैलोजन का सेट मिलने वाला है। और फ्रंट में भी आपको LED नहीं मिलेगी, LED की जगह आपको ये पूरा बल्ब वाला सेटअप मिलेगा। जिसके पास में लाइट नहीं चल रही है क्योंकि इसके अंदर इंडिकेशन ऑन सिस्टम नहीं है। चलो कोई नहीं, जब बाइक स्टार्ट होगी तभी होगा, मेरी वीडियो भी लाइव होने वाली है। तो ये वाला आपको मीटर मिलने वाले हैं इसके अंदर, एनालॉग मीटर, और आपको फ्यूल मीटर मिलेगा। तो बट सही है, और ये वाला लोगो भाई होंडा का, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी बाइक। आपके क्या रिव्यूज़ है अपना कमेंट करके बताइएगा। मैं सच्ची बताऊँ मेरे को मॉडिफिकेशन पर्पज से काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसकी अल्टीमेट वाली मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर आपको वीडियो देखना है मॉडिफिकेशन की तो कमेंट करना, बताता हूँ क्या क्या मॉडिफिकेशन इसके अंदर हो सकती है। और रही बात इसके कॉमी ब्रेक सिस्टम की, तो कॉमी ब्रेक सिस्टम इस तरीके से, और ये है पीछे के इसके शॉकर्स, और आपको यहाँ मिल जाएगा इसका शाइन का स्टिकर। यहाँ पे है किक, और ये है इसका इंजन। और इस तरीके से आपको एग्जॉस्ट मिलने वाला है होंडा शाइन 100cc वाला। अब ये थी भाई होंडा शाइन 100cc की, ये लगी है अपने पास 125cc की। इसके अंदर ऐसा क्या खास है बताते हैं आपको इसके बारे में। तो ये वीडियो के यहाँ पे एंड,
तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जिसको भी बाइक ले लेना भाई, रिकमेंड कर सकते हो ये वाली बाइक अकॉर्डिंग टू द प्राइस। तो प्राइस आपको मिलेगा मालवा होंडा साउथ दिल्ली में, जितने भी लोग रहते हैं ना भाई, यहीं से आके अपनी डील ग्रैब करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। बाकी वीडियो दिखा देना, क्या पता कुछ अच्छा और डिस्काउंट मिल जाए। तो करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, टाटा बाय।